बिना एक्सरसाइज किए भी घटाया जा सकता है वजन, बस करने होंगे ये 6 काम, पिघलने लगेगा फैट। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं वेट लॉस करना और फिट रहना तो इन 6 चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पद्मिनी, आप देख रहे हैं पद्मिनी किस चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस के जर्नी में हैं और स्नैक्स खाना चाहते हैं और आपको मंचिंग करने का मन कर रहा है तो आप मेरी एक हीरो ऑयल चाट जो कि इवनिंग में आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है, यमी है, हेल्दी है और बिल्कुल भी उसमें ऑयल नहीं है और बस कुछ ही चीज़ों को मिलाकर उस चाट को बना सकते हैं। इसका रेसिपी अगर देखना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे वेट लॉस। सो फ्रेंड्स, एक बड़ा सवाल है कि क्या बिना एक्सरसाइज किए वजन घटाया जा सकता है या नहीं। देखा जाए तो एक्सरसाइज किए बिना शरीर के इंचेस कम करना मुश्किल होता है और अगर एक्सरसाइज की जाए तो ज़्यादातर मतलब वजन तेज़ी से घटने लगता है, लेकिन एक्सरसाइज के अलावा भी वजन घटाने की कोशिश की जा सकती है अगर खान पान पर ध्यान दिया जाए। अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव हो जाए तो वजन घटाने में मदद मिलती है। हाँ, इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन अगर आप व्यस्तता यानी बिजी रहते हैं, बिजी चलते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ दिए तरीके आजमा कर वजन कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। इन तरीकों का असर भी बेहद अच्छा नज़र आती है। सो उसे अपने लाइफस्टाइल में जरूर ऐड करें। सो बिना एक्सरसाइज किए कैसे घटाए वजन, हाउ टू लूज वेट विदाउट एक्सरसाइज। सो पहली बात है, सब बोलते हैं गुनगुना पानी पिए, लेकिन उठते ही गुनगुना पानी मत पीजिए। आप जब बिस्तर से उठ रहे हैं तो आप मुंह धो लीजिए अच्छे से और उसके बाद आप ठंडा पानी जो नॉर्मल वाटर होती है उसका 3-4 घूंट जरूर पिए। उससे क्या होगा, जो आपकी गट होगी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, उसमें जो बच्चे कुचे हमारे खाना होते हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप गुनगुना पानी पिए। सो आपको दिन भर गुनगुना पानी नहीं पीना है, लेकिन सही समय पर गुनगुना पानी पियेंगे तो वजन घटने में मदद मिल सकती है। खासतौर से खाना खाने से आधा घंटा पहले और कुछ भी खा लेने के 20 मिनट बाद गुनगुना पानी पीने पर वेट लॉस में असर दिखने लगता है और गुनगुना पानी हमारे वजन को कम करती है। गुनगुना पानी पीने से क्या होता है, जब हमारी खाना पचता है उस वक्त हमारी पेट गर्मी पैदा करती है और इससे खाना हजम होती है और गर्मी पेट गर्म है और आप ठंडा पानी ले रहे हैं तो उससे ये असर पड़ता है। जैसे हम अगर मतलब कहीं कुछ जल रहा है और उसके ऊपर आप पानी डाल दें तो क्या होता है, आपको पता ही होगा, धुआं धुआं निकलता है, तो ऐसा ही होता है पेट में। अगर आप गुनगुना पानी पीते हैं तो गर्म पेट गर्म ही रहता है और खाना और भी तेज़ी से पचने लगता है, अच्छे से पचने लगता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है चीनी यानी व्हाइट शुगर। ये आजकल जहर की तरह हमारे बॉडी में काम कर रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मीठा खाते रहने से वजन में इजाफा होती है। आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और वजन कम करना चाहते हैं तो अपनी डाइट में चीनी को हटा दीजिए या जितना हो सके उतना कम कर दीजिए। इससे फैट बर्न होने लगेगा और चीनी के अगर आप चीनी को हटाकर कुछ लेना चाहते हैं जिसमें नेचुरल तरीके से मिठास है उस चीज़ों को ले सकते हैं। सो नेक्स्ट है, आप वॉकिंग जरूर करें। अगर आप वॉकिंग करते हैं तो आपकी फुल बॉडी एक्टिवेट होता है। फुल बॉडी एक्टिवेट होने से ब्लड सर्कुलेशन भी जोर तोरों से एक्टिवेट होती है, इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छी तरीके से काम करती है। सो एक्सरसाइज की बात आती है तो समय देखना पड़ता है और ये भी एक शरीर में एनर्जी बची है या नहीं वो भी देखनी चाहिए, लेकिन वॉक करना आसान है और इसके लिए आप थोड़ा समय निकाल सकते हैं। खाना खाने के बाद कम से कम 20 मिनट वॉक करें। अगर आपको दिन भर में बिल्कुल समय नहीं मिलता तो आप रात में अपनी सुविधा के अनुसार समय निकालकर 1 घंटा वॉक करें, इससे शरीर का पतला होने में मदद मिलती है यानी वेट लॉस होने में मदद मिलती है।
खाने में क्वांटिटी कम करें, यानी पोर्शन कंट्रोल करना। आपकी प्लेट में कितना खाना है या कहें कितनी मात्रा में खाना है, इसका आपके वजन पर सीधा असर पड़ता है। कोशिश करें कि आप पोर्शन कंट्रोल में रखें, किसी भी चीज़ को पूरी प्लेट भर कर खाने के बजाय थोड़ी कम मात्रा में खाएं। और अगर हम खाना भी ज़्यादा खा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को टायर्ड फील कराती है, क्योंकि खाना ज़्यादा खाने से बॉडी हर वक्त उसी काम में लगी रहती है, यानी खाना को डाइजेस्ट करने में लगी रहती है, उससे भी हम टायर्ड फील करते हैं। अगर आप ठीक क्वांटिटी में लेंगे खाना, जितनी अपनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है, तो ये आपकी बॉडी को तरोताज़ा रखेगी, एक्टिव रखेगी। और अगर आप एक्टिव रहते हैं तो आप काम भी करेंगे, और काम करते हैं तो भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी, और साथ ही आपको वेट लॉस भी अच्छे से हो जाएगा। और नेक्स्ट चीज़ है फाइबर का इस्तेमाल करें अपने डाइट में, ज़रूर फाइबर लें, खान पान में फाइबर की मात्रा बढ़ाएं। फाइबर के सेवन से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है, और इससे फूड इंटेक कम होकर वजन घटाने में मदद मिलती है। फाइबर की बात करें तो अमरूद, बीन्स, अनार, सेब और केले फाइबर के अच्छे स्रोत होते हैं। पीनट्स में बहुत ज़्यादा फाइबर मिलते हैं, इन्हें डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। आप शाम के समय और मिड डे मील में फल खा सकते हैं। और नेक्स्ट है नींद अच्छे से लें। कई बार नींद की कमी वजन बढ़ने की वजह बनती है, ऐसे में यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप पूरी नींद लेते रहें, अपने खान पान को ठीक रखें, एक्टिव रहें और पूरा आराम करें। इस तरह आपका वजन घटना शुरू हो जाएगा और आपको मोटापे से छुटकारा मिलेगा। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफस्टाइल को सही करें। बेसिक खाना जो इंडियन की होती है, यानी सुबह सुबह चपाती और कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स का सब्जी लें, और मिड डे मील में आप राइस लें, चावल लें, और रोटी भी ले सकते हैं उसके साथ, बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स की सब्जी, दाल और लस्सी, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं। और नेक्स्ट स्नैक्स में आप जीरो ऑयल स्नैक्स जैसे कि दाल वगैरह का चाट ले सकते हैं, आलू चाट कभी कभार भी ले सकते हैं, फ्रूट चाट ले सकते हैं। ये हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं डालेगी जो डाइजेस्ट नहीं होगी और फैट बनेगी। और साथ ही अगर आप खुद पर बिलीव करते हैं कि हाँ मेरी वेट लॉस होगी, मैं फिट दिखूँगी, तो भी ये काम करेगी। और साथ ही आप वेट लॉस एफर्मेशंस पढ़ सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। खुद पर बिलीव करके आप आईने के सामने वेट लॉस एफर्मेशंस पढ़ सकते हैं, इससे भी वेट लॉस होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।